पवित्र पातशाह मन ने देखा समय के हालात न जरवाणे घर घर होंगे बहुआ बेटिया बन के ले जाते इन्हों के मंदिर तोड़ देंगे इन्हों के चेहरे से जरा जमीन भी त्रेणी नहीं आती कीड़े नु लोग भेड़े आ मैं हम एहजा खालसा साजूंगा जेड़ा सवा सवा लख के टक्कर लेगा आओ कलगी पातशाह महाराज ने श्री आनंदपुर साहब की धरती से इंज ऐलान किया वाई मैं बुझदा रूहानू जिंदगी नवी बख्शनी चाहना पलिया दे वसण ली आलिशान महल बनाउणा पलिया दे वसण ली आलिशान महल बनाउणा हुण दिल लगावणा इस विच जसरी सेवा पाउणी हल लपणा जीवन दा मेरे
परवाह नहीं करेगा और ओदे पिछे लाके लोग आजादी का ढंडोरा देंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खालसे नूं साजना हिंदुस्तान की आजादी नहीं सी और उसे 84 के चक्कर विचों कढ देना, क्योंकि जेड़ा कलगियां वाले का सिंह सद गया वो फिर 84 के चक्कर विचों निकल गया। पहला ये देश वख वख धर्मां की पूजा करता सी, हर एक का वखरा मंदिर वखरी मर्यादा, किसी का तिलक सीधा किसी का विंगा किसी की धोती लड़ वाली किसी की सिद्धी किसी की पत्थर की माला किसी की दराख की माला किसी की तुलसी की माला सब कुछ वखरा वखरा सी। भैरों का मंदिर वखरा शिव का वखरा बरमे का वखरा जेड़ा जेड़े देवते की पूजा करेगा फिर ओरी पुरी भी जाएगा ते जेड़ा ओरी पुरी च गया मुड़के ओनू नरका च भी जाना पड़ेगा। महाराज ने आखिया फस्ता वढ दिओ सीधा अकाल दे नाल जोड़ दिओ। गुरु गोबिंद सिंह का खालसा उस अकाल दे नाल जुड़ गया, वह 84 के चक्कर विचों निकल गया। पर गुरु गोबिंद सिंह के खालसे की गुरु के सिखों महाराज ने एक शब्द लिखी है, पर वो जिंदगी अपनी जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह के बचना उत्ते बसर करता हो कहते वो दे अंदर होमे ना आ जाए। जदों होमे आ जाती है फिर बंदा रब न टुट जाता। जदों का ना हे अकाल पुरख वाहे गुरु आ जरा सह लिया मैं तेरी कृपा ना लिया, जे मैं कदम पुटिया तो महाराज तू मेनू बल बख्शा तो मैं ता पुटिया, फिर ओनू कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती।